देखो नरगिस, तुम्हें शादाब से मिलना जुलना बंद करना होगा। क्यों अम्मी? शादाब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त है, हम जानते हैं, पर वो एक पराया मर्द भी है। आज शाकरा ने ऐसी बात कही है, कल को जमाना कहेगा। और फिर बेटा, हम एक बात जरूर जानते हैं कि मर्द अपनी बीवी से सिर्फ दो चीजें चाहता है, एक इज्जत और दूसरी खिदमत। अम्मी, हमें सब पता है, इसके अलावा शाकरा भाभी ने आपसे क्या कहा? अब नरगिस, शाकरा तुम्हारी मुलाजमत को लेकर और शादाब से तुम्हारी दोस्ती को लेकर बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन उसमें से कुछ बातें तो उसकी सही थी। अम्मी, उनकी बातों का क्या? वो हम नहीं जानते, हम जो कह रहे हैं बस उसको सुनो। अपने और अपने शौहर के बीच में ये शक की दीवार खड़ी होने मत दो। अम्मी, अब्बास की इतनी गंदी सोच फिक्र नहीं है। डर के 7 साल, 7 साल बहुत होते हैं, और हो सकता है कि इन 7 सालों में अब्बास बदल गया हो। नरगिस, हम इतना जानते हैं कि एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लेकिन किसी पराए मर्द के साथ कोई उसकी बीवी का नाम ले, उसे बदनाम करे, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी अम्मी, आदाब। आदाब बेटा, आदाब। आदाब फैजल। आदाब। जीते रहो, पढ़ लिख के बड़े हो जाओ, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। और बताओ अब्बास बेटा, तुम कैसे हो? बड़ी अम्मी, हम आप लोगों की दुआओं से खुश हैं। बेटा, हमारी दुआएं तो बस तुम बच्चों के लिए हैं। तुम लोग खुश रहते हो तो हम खुश रहते हैं, पर अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है, तो हमें बहुत दुख होता है। बड़ी अम्मी, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलो। अम्मी, हम फैजल को हजरतगंज घुमाने ले जाना चाहते हैं। अरे बेटा, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बच्चा है, जहाँ जी चाहे वहाँ ले जाओ, और नरगिस को भी अपने साथ ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा। बड़ी अम्मी, इस वक्त नरगिस को ले जाना मुनासिब नहीं। दिनों के बाद आया हूं, राह चलते दोस्त यार मिल जाते, और मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फैजल बेटा, आपके अबू आपको घुमाने ले जा रहे हैं, इनके साथ जाइए। मासूमा भी साथ चलेगी? नहीं, मासूमा नहीं जाएगी। क्यों नहीं चलेगी? हाँ हाँ फैजल, बिल्कुल चलेगी, मासूमा भी हमारे साथ चलेगी। पर मासूमा तो बाहर खेल रही है। हाँ तो क्या हो गया, हम उसको बाहर से ही ले चलेंगे। अरे बेटा देखो ना बेटा, जब से तुम आए हो तब से तुमने यहाँ एक बार भी खाना नहीं खाया है। अम्मी, ये तो अपना ही घर है, फिर किसी वक्त आके खा लेंगे। अभी चले फैजल। फैजल अपने अबू से कितना घुल मिल गया है। प्रकाश बता रहा था कि गौरव न जाने कहां भाग गया है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। गांव भी पुलिस गई थी, पर वहां भी नहीं मिला वो। पुलिस के डर से भागे भागा फिर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले तो घर में चोरी की उसने, अब पुलिस के डर से भागता फिर रहा है। हम तो कहते हैं किसी नचनिया के यहाँ जाके छुपा होगा। अरे कहीं पुलिस के डर से वो खुदकुशी ना कर ले। वो इतना बेगैरत इंसान है कि 10 लोगों को लूट कर उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देगा। बाबू जी। हाँ बेटा, ये बताओ गौरव का कुछ पता चला? बाबू जी, गौरव पकड़ा गया। कहाँ? 4 बाग रेलवे स्टेशन से, ट्रेन में बैठ चुका था, पुलिस ने वहीं धर दबोच लिया। 4 डंडे लगाए, पूरी अकल ठिकाने आ गई है। 90,000 रुपए बरामद हुए उसके पास से। हाँ? और 60,000 खा गया? वो तो ये कहिए माँ कि पकड़ा गया है, ट्रेन में बैठ चुका था और निकलने वाला था। अगर देर हो जाती तो
पैसे लौटाने मुश्किल हो जाते और गिरफ्तार भी नहीं होता। और माँ इतनी आसानी से तो उसने पैसे दिए भी नहीं, जब पुलिस ने मारा तब जाकर उसने पैसे दिए। पहले तो बोल रहा था बाबूजी कि सारे पैसे खर्च हो गए। बहुत अच्छा, पुलिस वालों को कहना चाहिए था कि और मारो और मारो। बेटा प्रकाश, क्या उसे जेल में बंद कर दिया? नहीं बाबूजी, अभी तो उसे कोतवाली में रखा है, कल उसे अदालत लेके जाएंगे और वहां उसे सजा सुनाई जाएगी और वहीं आपके पैसे लौटाएगा। बाबूजी कल आपको गवाही के लिए अदालत जाना होगा। ठीक है बेटा, जरा देख लेना, गौरव तुम्हारा भाई है, उसको सजा कम से कम मिले, बस उसकी अकल आ जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे मन में जो आए वही करना। अपने बाबूजी को छोड़ो, वो तो गौरव के प्रेम में सब कहते ही रहेंगे। क्या हम गलत कह रहे हैं? गौरव तुम्हारा भतीजा नहीं है क्या? अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरा भतीजा नहीं है, लेकिन हमारी जो ये हालत है किसने किया? आपके ही भतीजे ने। भूल गए जब आपको कहता था चाचा जी झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, वो कीजिए? अरे नौकर बना के रख दिया था हम लोगों को। अगर वो इनको चाचा समझता तो ये सब करता? ये तो बेकार ही गौरव गौरव किए रहते हैं। देखिए, उसे एक चोर और धोखेबाज समझकर उसके खिलाफ गवाही दीजिए और उसे सजा दिलवाइए। प्रकाश बेटे, तुम उसे ऐसी सजा दिलाना कि वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहे। बहुत दुख दिया हम लोग को, बहुत। बाबूजी आपकी तरफ से मैं आपकी वकालत करूंगा, बस आपको गवाही में जो जो गौरव भैया ने आपके साथ सलूक किया है वो सब आपको बताना है, कैसे धोखे से आपके दस्तखत लिए वो सब आप जज साहब को बता देंगे, वो आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपके पैसे भी वापस दिलाएंगे और गौरव भैया को सजा भी मिल जाएगी। एक आपका गौरव और एक हमारा प्रकाश, देखा उसने तो हमें लूट लिया था और एक ने हमें सब दिलवा दिया। अम्मी आज हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। अब अब्बास आ गए हैं, नरगिस उसके साथ चली जाएगी। हाँ वो तो जाएगी ही। फैजल भी उसके साथ जाएगा। हाँ फैजल भी जाएगा। अब अब्बास फैजल के वालिद हैं तो वो उसे अपने साथ ले जाएं, अपने पास रखें या फिर हॉस्टल में रखें, हम क्या कह सकते हैं। मगर अम्मी हम मासूमा को नहीं जाने देंगे। अबे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, नरगिस ने मासूमा को इतने प्यार से पाला है और फिर नरगिस ने अब्बास से कहा हुआ है कि वो दोनों बच्चों को साथ ले जाएगी और अब्बास को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। नहीं अम्मी, मासूमा इस घर से नहीं जाएगी, हम उसको नहीं जाने देंगे। आबिद जब तुम मासूमा को नरगिस को दे ही चुके हो और फिर तुम कह भी चुके हो कि तुम्हारा मासूमा से कोई वास्ता नहीं, तो फिर अब तुम क्या हक जता रहे हो? और चलो मान लो कि हमने अगर मासूमा को यहाँ रोक भी लिया तो फिर उसे पालेगा कौन? हमसे तो कोई काम नहीं होता। नहीं, उसे हम पालेंगे। कमाल करते हो आबिद तुम, शाकरा से अपना बच्चा तो पाला नहीं गया, तुम्हारा बच्चा क्या पालेगी? अम्मी हम कुछ नहीं जानते, हमें बस मासूमा चाहिए। आबिद मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, शाकरा के बजाज से वाकिफ होना तुम अच्छे से, तो ऐसे में भला मासूमा तुम्हें कैसे दी जा सकती? अहमद भाई उसके वालिद हम हैं, हम नरगिस से अच्छे उसकी परवरिश करेंगे। माफ करना आबिद, बाप तो तुम उस दिन भी थे जिस दिन तुम मासूमा को नदी में फेंकने जा रहे थे। तुम अपने दिमाग से कहां चलते हो? चाकरा तुम्हें जैसा समझा देती है वैसा करते हो? नहीं है भाई, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मान लो हमने आज मासूमा को तुम्हें दे दिया, तुम्हारा क्या भरोसा? दो चार दिन के बाद चाकरा तुम्हें कुछ समझा देगी और तुम चले जाओगे उसको दरिया में फेंकने।
भी इससे पहले भी तुम मासूमा को दरिया में फेंकने वाली हरकत कर चुके हो। वो वक्त और था, उस वक्त का माहौल कुछ और था। तुम ये सोच लो कि मासूमा तुम्हारे लिए मर चुकी। मान लो हम नरगिस से बात कर भी लेते हैं और वो मासूमा को यहाँ रखने के लिए राजी भी हो जाती है, तो फिर इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है कि मासूमा को यहाँ किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी? तुम्हारी बीवी शाकरा, जिसे बच्चों से सख्त नफरत है, तुम्हारे गैर मौजूदगी में अगर उसने मासूमा को सताया तो उस दिन भी देखो, बच्चे खेलते खेलते उसके कमरे में चले गए थे तो कितना चिल्लाई थी वो बच्चों में, बच्चे कितना डर गए थे। और ये सब जानते हुए हम मासूमा को तुम्हें कैसे दे दें? अम्मी, मासूमा को देने का सवाल ही नहीं उठता है। मासूमा कैसे दी जा सकती है अभी? भाई जब वो दो चार दिन की थी तब तो ये मासूमा को नरगिस के पास छोड़ आए थे। नरगिस ने परवरिश की है मासूमा की, उसे इतने प्यार से रखा, पाला, पोसा, बड़ा किया। आबिद, आज जब वो बड़ी हो गई है तब तुम आ गए हो अपना हक जताने के लिए, तब तुम मासूमा को नरगिस से छीनना चाहते हो? मेरे भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आबिद, किस हक से तुम मासूमा को नरगिस से छीन सकते हो? मुझे तुम्हारी बातों से शाकरा की साजिश की बू नजर आ रही है। अहमद भाई, आप ये मत भूलिए कि हम उसके कानूनन वालिद हैं। हम मासूमा को अदालत से भी वापस ले सकते हैं। आबिद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? यह हमारे आपस का मामला है, हमारे घर का मामला है, और तुम कोर्ट कचहरी जाने की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम मासूमा के वालिद हो, हम मानते हैं, लेकिन ये देखकर हमें अच्छा लगा कि तुम्हारे दिल में मासूमा के लिए मोहब्बत जाग उठी है। ठीक है, हम इस बारे में नरगिस से बात करते हैं। नहीं अम्मी, मासूमा इस घर से नहीं जाएगी, हम उसको नहीं जाने देंगे। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर आबिद मासूमा साथ मिल गए तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमें बाप बेटी को एक होने से रोकना होगा। क्या हो गया, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? तुम हमसे पूछते हो कि हम गुस्से में क्यों हैं? हम तुम्हारी हरकतों से परेशान हैं आबिद। क्यों? अब हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने हमारे साथ वादा खिलाफी की, हमारे अरमानों का कत्ल किया है तुमने। अरे, हमने आपके कौन से अरमानों का कत्ल कर दिया? तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें विला खरीद कर दो, वो भी नहीं दिया। दूसरी बात, हमने तुमसे शादी इस शर्त पे की थी कि ना ही हम बच्चे पैदा करेंगे और ना ही पालेंगे। हम वो औरत नहीं है जो बच्चे पालने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, हम उसे एंजॉय करेंगे। ये बच्चे पालने में बर्बाद नहीं करेंगे। आबिद, हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम उस डायना की डायन को यहां पर लाए तो हम उसका वो हश्र करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। शाकरा, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक कीजिएगा? हाँ हाँ, हम करेंगे, हम कुछ भी कर जाएंगे आबिद, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। शाकरा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। नरगिस अपने घर जा रही है, हाँ यहां रहती तो ठीक था। शाकरा, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की परवरिश किसी और घर में हो।
हमारे रहते, अगर वो यतीमों की तरह पले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ हाँ हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आबिद, उस लड़की से ना तुम्हारा पहले कोई लेना देना था और ना आज है। हमें तो लगता है कि मासूमा तुम्हारी औलाद है भी या नहीं। आबिद, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, नरगिस अच्छा खासा अपने ससुराल जा रही है दोनों बच्चों को लेकर, तुमने खाला का फालतू का झगड़ा पैदा कर दिया। झगड़ा आप कर रही हैं, हम नहीं। अच्छा, वादा किसने तोड़ा, तुमने या हमने? तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने हमारा वादा तोड़ा है, हमारा भरोसा तोड़ा है। देखिए, मासूमा कितनी भोली, कितनी मासूम सी बच्ची है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, इतनी प्यारी बातें उसकी हमारे दिल को छू लेती है। आबिद, हमारा दिमाग मत खराब करो तुम, हम छुरी ले जाकर मासूमा की जुबान काट देंगे। शाकरा, आप गैर इंसानी हरकतें ना कीजिए। एक तो आप अपने शौहर का कहा नहीं मानती, और तो और तुम्हारी इज्जत तक नहीं करती, जो मन में आता है बक देती है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पे क्या बीतेगी? देखो आबिद, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते, उससे तुम्हें तकलीफ होती है तो होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, अगर हमें फर्क पड़ता है। अरे कोई भी बीवी अपने शौहर से इस तरह मुखातिब नहीं होती। आबिद, हमने कह दिया तो कह दिया, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने अंदर रत्ती भर भी बदलाव नहीं लाएंगे। आबिद, हम तुमसे कह देते, तुम उस लड़की का जिक्र भी नहीं करोगे और ना ही उसे अपनाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो हम हमेशा के लिए हैदराबाद चले जाएंगे और वहां बैठकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। आबिद, हमारा नाम प्रिंसेस शाकरा है, ये तुम कभी भूलना मत। ये तो हम भी जानते हैं। है ना, मजा आ गया ना आज तो? हाँ। आओ इधर बैठते हैं। अरे आप लोगों के साथ तो मासूमा भी थी, वो कहाँ है? मासूमा थक गई थी, उसे फतो ले गई। अरे फैजल, अम्मी को बताओ आज हम कहाँ कहाँ गए थे? अब्बू हमें चिड़ियाघर ले गए थे और अजब घर, हम वहाँ हाथी पर भी बैठे थे। अम्मी, बच्चों वाली ट्रेन जो होती है ना, उसमें हम बैठे थे। अच्छा, हमने शेर भालू और बकरी को देखा। अच्छा फैजल, बकरी नहीं हिरन थी। नहीं अब्बू, वो बकरी थी। नहीं फैजल, हिरन थी। अरे बकरी थी। हिरन थी? नहीं बकरी थी। अच्छा बाबा, तुम्हारी बकरी तुम्हारी हिरन, खुश? आपने खाना खाया? हाँ। क्या क्या खाया अम्मी को बताओ। हमने रसगुल्ला और कुल्फी भी खाई। अच्छा, आप खाना खाएंगे? आप कहे तो हम खाना लगवा दें। नहीं नहीं, मैं भी बच्चों के साथ ही खा के आया। नरगिस, माशाल्लाह मासूमा बहुत ही प्यारी बच्ची है, रास्ते भर हमसे इतनी सारी बातें करती आई है, दोनों बहुत ही प्यारे हैं, रास्ते भर की सारी थकान ही दूर हो गई। अब्बू आप बैठिए, आप यही रहिए, हम आपके साथ बहुत सारी गेम खेलेंगे। हम कल फिर चलेंगे, हाथी के ऊपर बैठेंगे। फैजल, जिस दिन तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होगी हम तब चलेंगे। हमारे स्कूल की छुट्टी संडे को होती है। तो हम संडे को चलेंगे। दोनों बच्चे बहुत शैतान, आपको तो जरूर सताया होगा। नरगिस, अब बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ना, नहीं तो क्या आप और हम करेंगे? आप में बिल्कुल बदलाव नहीं है, आप वैसे ही बातें करते हैं जैसे पहले करते हैं। मुझे तो आप में भी बदलाव नहीं दिखता, आप जैसी थी वैसी ही। हमारे साथ आप लूडो खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे। हम लूडो लेके आते हैं। ठीक है, जल्दी से जाओ। नरगिस, हम आपको बहुत याद करते थे, क्या आप भी हमें याद करती थी? भी आपको बहुत याद करते थे, ना पूछिए, दीवानों की तरह हमारी हालत हो गई थी, दरगाह में चक्कर लगाते थे, दीवारों से बातें किया करते थे, अल्लाह की बारगाह में रात दिन आपके लिए दुआ करते थे कि अब्बास जहां कहीं पे भी रहे सलामत रहे। यकीन मानिए, आपकी दुआएं कबूल।
और अब्बास को जिंदा सलामत आपके सामने ले गई। इसमें कोई शक नहीं, हमें तो खुशी इस बात की है कि फैजल को उसके वालिद मिल गए। दिन रात हमसे पूछता था कि अम्मी हमारे अबू कब आएंगे, हम क्या जवाब देते। हमें खुद पता नहीं था कि आप कहाँ हैं और कब आएंगे। आप सच कह रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं आपका एहसान मंद हूँ कि आपने हमारा इंतजार किया। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। मुझे खुशी इस बात की है, तुमने फैजल को बहुत अच्छी तरबियत दी है। हम लूडो लेके आ गए। अरे वाह, अरे फैजल ये तो सांप सीढ़ी है। तो लूडो भी है। अच्छा, अरे वाह, आप कौन सा रंग लेंगे? लाल वाला। ठीक है, तो मैं नीला। अम्मी आप भी खेलिए ना, आप हरा वाला ले लीजिए। नहीं, आप। अरे अब इतनी इज्जत कर रहा है तो खेल लीजिए ना। अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हम लोग अब्बू के घर में रहने जाएंगे। हम लोग कब जाएंगे? जब अम्मी चाहेंगी तब चलेंगे। चलो चलो खेलते हैं। अब्बास भाई आप। अरे आपा, आपने पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानूंगी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपा बस पूछिए मत, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अल्लाह आपकी खुशियों को सलामत रखे, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। अच्छा ये बताइए, आप आज पूरे दिन कहाँ गायब थे? आपा आज मैं पूरा दिन बच्चों के साथ ही रहा, उन्हें अजैब घर ले गया और हजरतगंज घुमाया। फैजल तो इतने सवाल करता है कि उसका जवाब दे दे के मैं थक गया। और मासूमा बहुत ही प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी बातें करती है। इसका मतलब जनाब बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। ये बताइए बच्चों की अम्मी को नहीं ले गए? अब नरगिस को मैं कहां ले जाता, राह चलते दोस्त यार मिल जाते हैं, इतने सालों के बाद देखते हैं तो लिपट जाते हैं। पर नरगिस और बच्चों से बात करके मुझे बहुत सुकून मिला। आपा इतने सालों के बाद भी नरगिस में कोई बदलाव नहीं।